नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फर्स्ट फेज में पश्चिमी यूपी में वोटिंग होनी है और जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन यूपी की एक सीट ऐसी भी है जहां राजा के खिलाफ ही जंग छिड़ी हुई है। ऊना में अब की बार राजा के सामने नया चैलेंजर आया है और आलम यह है कि हर किसी की निगाह ऊना की इस हाई प्रोफाइल सीट पर अब टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि राजा का क्या होगा। ऊना में पिछले 29 सालों से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव जीतते आए हैं। लगातार 6 बार निर्दलीय विधायक बने। इस बार राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल से चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2002 के बाद राजा भैया के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने राजा भैया को चैलेंज देने के लिए गुलशन यादव को मैदान में उतारा है। तो अब 20 साल बाद चैलेंज किया गया है राजा भैया को। राजा भैया जनसत्ता दल से चुनावी मैदान में है, लेकिन कुंडा की जंग में अब कौन कौन है आमने सामने? गुलशन यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से सिंधुजा मिश्रा। और इसके अलावा यह भी बता दें कि 20 साल में यह पहली बार है जब राजा के खिलाफ एसपी ने उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी ने सिंधुजा मिश्रा को टिकट दी है, जबकि बीएसपी से मोहम्मद फहीम कैंडिडेट हैं। चौतरफा घिरे राजा के लिए यह जंग कितनी मुश्किल है? इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने सीधा राजा भैया से किया सवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम दिग्गजों की चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी है जिसकी अगर चर्चा ना हो तो उत्तर प्रदेश की सियासत भी अधूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भद्री रियासत से सियासत का सफर तय करने वाले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी की। राजा भैया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंडिया टीवी पे बात करने के लिए बहुत स्वागत है। सर, सवाल पहला यही है कि चूंकि चुनाव है और चुनाव के समय में आपने पार्टी भी बनाई है, रियासत से सियासत का सफर आपने कैसे तय किया है, थोड़ा इसके बारे में जरूर बताएं। नहीं, रियासतें तो 75 साल पहले खत्म हो गई हैं। रियासत की जहां तक बात की जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जब घर आए, हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि रहना गाँव में ही है और यहीं सब संभालना है। तो लोगों का कहना था, मानना था, लोग आते गए हमारे कुंडा विधानसभा के गांव-गांव से, हमारे सम्मानित लोग सब, और सबकी इच्छा थी कि राजनीति में आई। ये 92 की बात है और 93 में इलेक्शंस होने थे, तो इस तरह से एक नाम तूफान सिंह भी है, बहुत कम लोग। कभी नहीं रहा। ये जैसे मगरमच्छ है, तूफान सिंह है, ये सब भूल जाइए। आपने मगरमच्छ की चर्चा करें, उसके पहले ही हमने पहले ही खंड। सर, क्योंकि चुनाव के वक्त आपने एक लंबी चौड़ी पार्टी बनाई है, 19 जगह प्रत्याशी उतारे हैं, और चूंकि समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे हैं, आप बीजेपी में मंत्री रहे हैं, तो एक सवाल आम है कि इस पार्टी पर लोग विश्वास कैसे करें और आपके प्रत्याशियों पर विश्वास कैसे किया जाए? बिल्कुल, हमारे बहुत से प्रत्याशी यहाँ भी खड़े हैं। रही बात विश्वास की, तो 25 वर्ष जब हमारे राजनीति में पूरे हुए तब ये दल बनाया और बगल की विधानसभा सीट 5वीं बार जिताई, बाबागंज विधानसभा। 25 वर्ष से अधिक से अक्षय प्रताप गोपाल जी एमएलसी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, तो एक लंबे पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस के बाद, एक लंबे संसदीय अनुभव के बाद पार्टी का गठन हुआ। वहीं आप अन्य छोटी पार्टियों या नई पार्टियों की जब उधर नज़र डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनके पास शून्य अनुभव, और जब तक किसी दल से गठबंधन नहीं हो गया उनका खाता भी नहीं खुला है। तो ये विश्वसनीयता का संकट उनके लिए है, हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे प्रत्याशी जहां लड़ रहे हैं बहुत मजबूत स्थिति में लड़ रहे हैं, और हम वहीं पे प्रत्याशी लड़ा रहे हैं जहां मजबूत हैं। उनका विलय होगा किसी के साथ? नहीं, विलय नहीं होगा। कुंडा में ऐसे भी प्रत्याशी आपके सामने हैं जिनकी उंगली पकड़ के आपने उनको राजनीति में लाए, और भले ही वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हो, लेकिन इनके बारे में क्या कहेंगे वो चुनाव में सामने? पहली बात, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, हम अपने बारे में, अपने द्वारा कराए जाने वाले कार्य और हमारी योजनाएं क्या हैं। जिसके जैसे संस्कार हैं वो वैसी बात करेगा। कहीं भी आर्टिकल पढ़े तो पहले ही कहा जाता है कि भ्रांति आप लोगों का है, जनता का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही हैं, कोई हमारे दो रूप नहीं है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। हम जैसे हैं, इसी बात पे जनता का आशीर्वाद हर बार बढ़ करके मिलता है। और रही बात कुंडा विधानसभा की, तो प्रदेश की इकलौती विधानसभा कुंडा है जिसने 6 बार लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और प्रदेश में सबसे बड़ी रिकॉर्ड का, सबसे बड़े मतों के अंतर से रिकॉर्ड बनाया है।
कुछ ये भी कहा जाता है कि कुंडा में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ से कानून राजा भैया जी का शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ लगा क्या? कानून हर जगह भारत सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है। ये कैंडिडेट भी जो सिंधुजा जो आपके सामने हैं, उनके साथ भी एक इमोशनली बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है, आपको लगता है इस चुनाव में क्या ये काम आएगा? हमने कहा ना कि चुनाव है, हर पार्टी के प्रत्याशी आएंगे, अपनी बात रखेंगे और ठीक है रखें। राजपूत समाज से एक बड़ा चेहरा है आप, जिस वक्त आप जुड़े थे उस वक्त 11 राजपूत थे समाजवादी पार्टी में, सब अलग अलग नेता छिटक गए, आपने अलग पार्टी बना ली, कुछ अलग चले गए, बीजेपी में भी 64 राजपूत विधायक बने, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि एकजुट होने से ज्यादा बेनिफिट है या फिर अलग होने से कोई हमको ये आंकड़ा न तो हमारी कोई इसमें रुचि न हमको जानकारी है कि साहब 11 हैं कि 63 हैं या कितने हैं, आप बता रहे हैं ठीक है। जिस पार्टी ने जिसको विनिंग कैंडिडेट देखा समझा उसको दिया, अब ये उनका विशेषाधिकार है, जो पार्टी है वो किस बिरादरी किस व्यक्ति को देती है ये उनका। रही बात जनसत्ता दल, तो हमारे 19 प्रत्याशी घोषित हैं और ये हम कह सकते हैं कि हमारे गुलदस्ते में सबसे रंगीन फूल हैं, हर एक जात बिरादरी को सम्मान दिया गया है। जी भी कह रहे हैं कि हमारे गुलदस्ते में तमाम तरीके के अलग अलग फूल हो सकता है कह रहे हो, वो क्या कह रहे हैं उसके हम जिम्मेदार नहीं है, हम क्या कह रहे हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। आप मुलायम सिंह जी से बहुत करीबी नाता रहा है, लेकिन जिस वक्त अखिलेश जी यहाँ पर आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन आपके, अब समय अभाव के कारण एक बात कह करके करते हैं कि नेताजी में और अखिलेश जी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, और हम ही नहीं इसको उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। तो नेताजी नेताजी हैं, ठीक है सर, अब आप जाना चाहते हैं। एक वो एक है ना कि वो अभिषेक बच्चन कभी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते। यूपी में चुनाव की तारीख अब बेहद करीब आ गई है और आज से ठीक एक हफ्ते बाद पहले चरण के लिए वोट भी डाले जाएंगे, लेकिन इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चर्चा का विषय बन रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की बस यात्रा की एक ऐसी तस्वीर आपके सामने है जिसमें आरएलडी प्रत्याशियों के अपमान की बात कही जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके सड़क के रास्ते बस से बागपत की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान शामली सीट से आरएलडी प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी और थाना भवन से आरएलडी प्रत्याशी अशरफ अली अखिलेश जयंत के साथ खड़े होने के लिए बस की छत पर चढ़े। जैसे ही अखिलेश जयंत के करीब जाने की कोशिश की तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। सुरक्षाकर्मी उन्हें हाथ पकड़कर बस के नीचे उतारने की कोशिश करने लगे, जिसे तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। हालांकि उसी वक्त अखिलेश यादव ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ऐसा करने से रोका। शामली सीट से आरएलडी प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा सुनिए। वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जब आप बस पर चढ़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शामली में, तो सिक्योरिटी जो उनके साथ थे अखिलेश और जयंत के, उन्होंने अशरफ अली और आप दोनों को उतार दिया बस के ऊपर से, ये क्या पूरा मामला? ऐसा कुछ नहीं है, बस पे बस वो एक रथ था, उसमें हमारे लोकप्रिय नेता दोनों ऊपर चढ़ने थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके उनसे, भाई उन्होंने हमें रिक्वेस्ट ऊपर बुलाया, उस गार्ड को पता नहीं था ऐसा, उसने गार्ड ने एक दो बार हमें उतारा नहीं नीचे, उसने एक दो बार ये जरूर कहा कि यहाँ इनका प्रोग्राम है आप नीचे से ही हाई हल्लो करो, लेकिन जब अखिलेश जी ने उन्हें कहा हम ऊपर पहुंच गए, ये तो दिखाने इनमें बीजेपी वालों में खलबली मच रही है, इनका आईटी वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इन्हें तो सपने में भी आदरणीय जयंत चौधरी और जाट दिख रहे हैं, इनकी भूल है तो खो गए, इनका किस्सा खत्म है। लेकिन ये वायरल हो रहा है, ये जो वीडियो है ये वीडियो वायरल हो रहा है कि बहुत छोटा सा क्लिपिंग है कि सिक्योरिटी गार्ड आपको खींचते हुए आपको उतार रहे हैं और आप सीढ़ियों से बस की पीछे वाली सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। आप एक बात बताओ, ये उस वीडियो को तो वायरल करेंगे जब भाई उनकी सुरक्षा है, एसपी जी सुरक्षा ले रही है, वो सुरक्षा में किसी को चढ़ने थोड़े देंगे, और जो वे उनके गैल जो आए थे जो उनकी सुरक्षा में थे वे प्रसन्न चौधरी की शिकल नहीं जानते, अशरफ की शिकल नहीं जानते, अभी तो जानेंगे। मैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।